हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो पहली न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एएमयू के इवेंट पर वहाँ पर क्या बोला है। तो पहली बात उन्होंने ये बोला है कि डिफरेंसेस के नाम पर हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और कंट्री को प्रोग्रेस करना चाहिए। इन सब बातों को भूल करके, हमारे रिलीजन अलग है, हमारी ये बातें अलग है, मतलब डिफरेंसेस को भूल कर हमें कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सब में होते हैं, मतलब लेफ्ट राइट ये सब नॉर्मल है, ठीक है, ये नेचुरल है, लेकिन जब नेशनल गोल्स की बात आती है तो हमें इन डिफरेंसेस को दूर रख देना चाहिए, अलग रख देना चाहिए, मतलब नेशनल गोल सबसे ऊपर होने चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जैसे इसमें सिस्टर अभिया की डेथ हो गई थी तो अब पता चल गया उनको जस्टिस मिल गई कि कौन गिल्टी है, तो इस वाले पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कश्मीर में गुपकर अलायंस को ज़्यादा वोट्स मिले हैं और जम्मू में बीजेपी को ज़्यादा वोट्स मिले हैं। खैर, ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये सब प्रोटेस्ट के बारे में, अब हम यहाँ पर चलते हैं। चैलेंजेस टू रिटेन यूथ इन साइंस। तो कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो 2015 से शुरू हुआ था, तो इस बार वो वर्चुअल मोड में हो रहा है। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूथ को रिटेन करना साइंस में, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है यूथ को रिटेन करना साइंस में, ठीक है। वेल, द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग साइंस राइट नाउ इज डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर कोविड-19। द बिगेस्ट लॉन्ग टर्म चैलेंज रिमेन्स अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन साइंस, ठीक है। He also stressed the need for increased cooperation between science and industry and appealed the global community to invest in Indian talent and innovate in the country. फिर उन्होंने वही बोला, हमारे साइंटिस्ट ने क्या क्या किया है, तो अब क्या किया जा रहा है। अब उन्होंने एक बात ये भी बोली, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो बेसिकली किस बात पर फोकस करती है, उसका फोकस ये है आउटलेस टू आउटकम, मतलब आउटकम होना चाहिए, और जो टेक्स्ट बुक जो रट्टा वाली पढ़ाई होती है उससे ऊपर आके रिसर्च एंड एप्लीकेशन पर की पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या कैसे कैसे उन्होंने यूथ को साइंस में रिटेन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अटल इनोवेशन मिशन चलता है, अटल टिंकरिंग लैब्स चलता है, जहाँ पे साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है ताकि बच्चे इनकरेज हो साइंस में आने के लिए। इसके अलावा अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स आर ऑल्सो बीइंग क्रिएटेड फॉर हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़। फॉर क्वालिटी रिसर्च द गवर्नमेंट इज़ रनिंग द प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो स्कीम। इसके अलावा यह स्कीम भी चलाई जा रही है टू इनकरेज द कंट्रीज बेस्ट टैलेंट्स टू अंडरटेक रिसर्च, ठीक है। टू अचीव दिस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हेल्थ कनेक्टिविटी एंड रूरल सोल्यूशंस, टुडेज इंडिया हैज डेटा डेमोग्राफी एंड डिमांड। अब यहाँ पर जैसे आपको कीवर्ड्स मिल गया डेटा डेमोग्राफी एंड डिमांड, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो कि हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सबके लिए, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के लिए जैसे वैक्सीन है, तो वैक्सीन किसकी वजह से बनेगी, वैक्सीन साइंस की वजह से ही बनेगी, ठीक है। एजुकेशन में बच्चों को जैसे वो रूरल पॉवर्टी दूर कर सकें, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम दूर कर सकें, तो वो सब साइंस से ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में क्या क्या बोला, आप कुछ बातें याद रख सकते हैं। दैट्स इट, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने, आपको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कि उसमें डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिया, ठीक है। तो किसी ने आरटीआई फाइल किया था कि उसे जानना था कि किसने दिया, तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन द लीड बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उन्होंने बोल दिया कि अगर हम डिस्क्लोज करेंगे आइडेंटिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स तो उससे क्या होगा, ये एक्ट का ही वॉयलेशन हो जाएगा और ये कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ही सर्व नहीं कर रहा। तो उन्होंने बताने से मना कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कि कौन किसको डोनेट या कौन किसको डोनेट करो, उन्होंने बताने से मना कर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्कीम अटल पेंशन योजना, उसमें आपको डिग्निटी की लाइफ मिलेगी, मतलब 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। आप इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, आपको लाइफ टाइम गारंटी पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद 1000 से लेकर 5000, मतलब जितना भी आपने प्रीमियम जमा किया उसके बेसिस पर आपको 1000 से लेकर 5000 रुपये तक मिल जाएंगे। अगर आपके स्पाउस की डेथ हो जाती है तो जो दूसरा स्पाउस होगा उसको इक्वल पेंशन मिलती रहेगी। अगर दोनों की डेथ हो जाती है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो भी आपने प्रीमियम भरा होगा वो आपके किसी भी नॉमिनी को मिल जाएगा, बेटा बेटी जो भी हो, लेकिन बस प्रीमियम, पेंशन नहीं मिलेगी। और ये एलिजिबल कौन कौन है, इसके 28 से 40 साल के एज वाले लोग एलिजिबल हैं। शायद एक बार अटल पेंशन योजना पे क्वेश्चन आ भी चुका प्रीलिम्स में, तो ऐसे जो स्कीम्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, आप उनको ध्यान रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये पावर मिनिस्ट्री ने रूल्स वो किए थे नोटिफाइड, जो कि रूल्स था इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020। इसमें क्या बोला था, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने की बात की थी एंड कंज्यूमर के लिए। अंडरलाइंग रेशन इसका यही था रूल्स का, कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, भले ही वो पब्लिक हो या प्राइवेट एंटिटीज़ हो, वो एक मोनोपोली जैसी बन गई है, मतलब सिर्फ उनका ही वर्चस्व बन गया है। तो ये कोई एंड कंज्यूमर के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं छोड़ता है कि वो अगर अनहैप्पी है तो वो सर्विसेज को किसी और से सर्विसेज ले ले, नहीं, उनके पास कोई अल्टरनेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में अल्टरनेटिव होता है, अगर आपको एक सर्विस नहीं पसंद आई, फॉर एग्जांपल एयरटेल नहीं पसंद आई, तो आप वोडाफोन में जा सकते हैं, पर ऐसा वो उसमें नहीं है।
इलेक्ट्रिसिटी में. दस इन द एब्सेंस ऑफ रियल कॉम्पिटिशन, तो रियल कॉम्पिटिशन की वजह से क्या है, कंज्यूमर के पास कोई पावर ही नहीं है, ठीक है, और सारी पावर कौन होल्ड करता है, डिस्कॉम्स, ठीक है. तो अब इस एक्ट के थ्रू डिस्कॉम्स को अकाउंटेबल बनाया गया फॉर द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि वो प्रोवाइड करेंगे. अब न्यू रूल्स इसी को एड्रेस करने के लिए कि एंड कंज्यूमर के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए डिस्कॉम्स. तो डिस्कॉम्स विल नाउ हैव टू कॉम्पनसेट कंज्यूमर्स. अब डिस्कॉम्स को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा कंज्यूमर्स को अगर बहुत देर तक पावर कट्स होंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में डिले हो रहा है और या फिर कोई भी लैप्सेस इन सर्विस हो रहा है. फॉर इंस्टांस अगर न्यू रूल्स अकॉर्डिंग न्यू कनेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड विद अ डिस्काउंट विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग द रिक्वेस्टेड मेट्रोस. अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में और किसी ने आपको न्यू कनेक्शन के लिए बोला तो आपको 7 दिन में देना पड़ेगा, म्यूनसिपल एरियाज़ में 15 दिन में और रूरल एरियाज़ में 30 दिन में. अगर आप इसको कंप्लाई नहीं कर पाए देन यू हैव टू गिव द पेनल्टीज़. करंटली सम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन्स जो स्टेट जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है. तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन्स ने भी अपने रूल्स बना रखे हैं, तो बहुतों के पास ऐसे कॉम्पनसेशन के प्रोविजन हैं लेकिन एक कोई बेंच मार्क सेट नहीं है, ठीक है. तो हैव यू नॉट ऑल स्टेट्स अडहेयर टू देम और हैव यूजर फ्रेंडली प्रोसीजर्स फॉर रिसीविंग द कॉम्पनसेशन, ठीक है. तो बेसिकली अब यही है, तो गवर्नमेंट अब होप है कि ज़्यादा डिस्कॉम ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे. तो आप बस ये जैसे किसने रूल्स नोटिफाई किए, तो पावर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई की, क्या क्या चीज़ें याद रख सकते हैं. इसमें कोई नई बात नहीं है इस आर्टिकल में, पर हम देख लेते हैं. तो APMC एक्ट था 1950s ने, उसने मोनोपोली तो एंड कर दी फार्मर की कि आप सिर्फ लोकल ट्रेडर को ही बेच सकते हो. नहीं, वो एंड करके क्या हुआ कि अब क्या वो अहर्तियाज बन गया जो कि बेसिकली मिडिलमैन थे जिनको आप बेचते थे जाके APMC में. पर इससे एक ओलिगोपोली क्रिएट हो गई, ठीक है. मतलब कुछ ही ट्रेडर्स, कुछ ही उनको लाइसेंस मिल रहा है, कुछ ही लोगों को, इससे ओलिगोपोली क्रिएट हो गई, ठीक है. इन प्रैक्टिस ईच ट्रेडर इन द मल्टी हैज बिल्ड रिलेशनशिप विद अ सेट ऑफ फार्मर्स. द ट्रेडर प्रोवाइड्स क्रेडिट द फार्मर देन सेल्स हिज प्रोड्यूस ओनली थ्रू दैट ट्रेडर, ठीक है. एक ट्रेडर से उनका वो बन जाता था, वो उसी को बेचते थे. इसके अलावा द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन पर्टिकुलर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, जिसकी वजह से ओलिगोपोलीज बन गई है, वो भले ही लेस एक्सप्लॉयटेटिव था क्योंकि जो पहले होते थे ना कन्हाई अलाउंस, अब उससे कम हो गया क्योंकि पहले सिर्फ आप एक ही लोकल फार्मर को बेच सकते थे जो कि लोकल ट्रेडर होगा. अब आप APMC में जाके ट्रेडर्स को बेच सकते हो, तो अब ज़्यादा लोगों को बेचने वाले, जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन कम ही हो जाता है. तो ऑथर ने बोला ये तो मतलब एक नॉर्मल विजडम है कि अगर आप ज़्यादा बायर्स को फार्म प्रोड्यूस खरीदने के लिए बुलाओगे तो एक्सप्लॉयटेशन और कम होगा, मतलब ये तो नॉर्मल विजडम है. और ये 1980 से ये बात चल रही है कि ऐसा होना चाहिए. अगर फार्मर के पास सिंगल बायर प्रोड्यूस के लिए तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है, अगर फ्यू बायर्स हैं तो वो थोड़ा कम एक्सप्लॉयटेशन उसका, अगर बहुत अनलिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स हैं तो शी इज़ द बेस्ट ऑफ, वो जिसको चाहे उसको बेचे, जो उसको बेस्ट प्राइस दे, ठीक है. ये बोला ऑथर ने, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ऑथर ने बोला है ये वाला जो एक्ट है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 गिव फार्मर्स द फ्रीडम टू सेल आउटसाइड द मंडी एंड टू द बायर टू बाय एट फार्म गेट. मतलब इसको बोल रहे हैं कि आप फार्म मंडी के बाहर भी बेच सकते हो, आपको जहाँ बेचने का मन है, और उसके लिए मंडी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है, ठीक है. द फार्मर्स चॉइस टू सेल विद इन द मंडी इफ सी शो विसेस इज नॉट टेकन अवे. तो वो ये बोल रहा है बेसिकली, अगर फार्मर की चॉइस ये है कि वो मंडी के अंदर बेचना चाहता है, वो बेच, तो उसको किसी ने रोका तो नहीं ना. बस ये भी बोल रहे हैं कि आप बाहर भी बेच सकते हो, ठीक है. रिपोर्टेडली फार्मर्स ऐसा बिलीव करें कि इसकी वजह से MSP खत्म हो जाएगा और मंडी खत्म हो जाएगी. तो ऑथर ने बोला ये बहुत ही हार्ड टू इमेजिन है कि ऐसे कंक्लूजन पे वो पहुंचे भी कैसे. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसे ये वाला स्टेप लेना ही पड़ता है, MSP को कभी ना कभी हटाने का, मंडीज को कभी ना कभी हटाने का, क्योंकि MSP खुद में ही बहुत ही सुसाइडल है. मतलब धीरे धीरे पॉपुलिस मेजर की वजह से MSP बढ़ाती जाती है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, और MSP बढ़ाने की वजह से क्या होता है, जो एक्सचेकर उस पर कितना ज़्यादा बिल होता है, कोई कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होता है. Besides, it seems that the government is prepared to give whatever assurance the farmers want on their continuation, ठीक है. इसके अलावा तब भी government वो assurance देने के लिए तैयार, उनको जो भी assurance चाहिए. उसके बाद जो दूसरा act है empowerment and protection, जो contract farming वाला act है, ठीक है, basically provides for yet another much recommended agriculture marketing reforms, contract farming. तो इससे क्या होगा, आप contract farming कर सकते हैं पहले से ही कि आपने contract कर लिया, ठीक है, आपको 10,000 किलो आलू देने हैं और उसके बेसिस पे आपको वो मिल जाएगा. लेकिन फार्मर्स का ये डर है कि जैसे हमें प्रोड्यूस है, ठीक है, उनको अगर उसकी क्वालिटी वैसी नहीं लगी जैसी कि हो, ठीक है, तो वो हमारी सारी फसल ख़राब हो जाएगी या फिर वो हमें उतना प्राइस नहीं देंगे. पर इनका क्या कहना है, हम ये भी देख लेते हैं. दिस फॉल्स द फार्मर्स टू ट्रांजिट टू कमर्शियल क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच गिव्स हायर रिटर्न्स देन द फूड ग्रेन सोल्ड एट MSP. ऑफ कोर्स द फार्मर इज ऑल्सो कमिटेड टू सेलिंग एट द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस. मतलब उन्होंने बोला कि अगर मार्केट में प्राइस क्रैश भी हो जाए, ठीक है, बिल्कुल प्राइस ना मिले, तब भी अगर आपको पहले से कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको उतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन इन सेकेंड केस में भी होल्ड शू होती है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए लेकिन आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है. ऑथर ने बोला है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके सर पे कोई डाल तो नहीं, और आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही करनी, आपको नहीं करनी तो आप मत करो, आप जो अपनी क्रॉप उगाते हो वही उगाते रहो.
तो द फार्मर इज फ्री टू कंटिन्यू सोइंग क्रॉप्स देन दैट सेल एट एमएसपी और टू टेक हर चांसेस इन द मार्केट इफ सी शोज नॉन एमएसपी क्रॉप्स विदाउट एंट्रिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट. मतलब उसको जो करना है वो कर सकता है, बस ये वाले बिल्स उससे नए ऑप्शंस प्रोवाइड करें. फॉर एग्जाम्पल मंडी वाला आप बाहर बेच सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप जा सकते हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना ही जाना है. फिर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें क्या बोला है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में ही बस होल्ड कर सकते हो, जो कि वॉर, फेमाइन, नेचुरल कैलामिटी और या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस रिस्क, उसके अलावा आप होल्ड नहीं कर सकते. तो ऑथर ने बोला ये एक्ट भी अच्छा है क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लोग इन्वेस्ट करने की करेंगे, तो जब कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे अच्छा होगा हमारी जो चीज़ें पेरिशेबल से वो बहुत दिनों तक प्रिजर्व रह पाएंगी. तो इसी एक्ट हैज़ ऑल्सो बीन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर बाई डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन कोल्ड चेन. ठीक है, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था उसकी वजह से जब आप होल्ड नहीं कर सकते थे तो कोई कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते ही नहीं था. तो बेसिकली ऑथर ने ये बोला है द न्यू लीग ऑफ नेशंस, इसमें कुछ ऐसा लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी पर कोई बात इंपॉर्टेंट बनी मिली नहीं इसमें. इसमें बेसिकली ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात की गई है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कोविड 19 के बाद कैसे चेंज हो रहा है. ठीक है, पहला ऑथर ने बोला जब हमने वैक्सीन को देखा तो हमने वैक्सीन की रेस में ये माना गया कि सब ने अपनी नेशनल कन्फाइंस में होकर सारी चीज़ें की हैं. ठीक है, कोविड 19 भले ही ये ग्लोबल इमरजेंसी थी लेकिन सब ने कैसे डील किया इससे, जैसे ये उनके नेशनल कन्फाइनिटी में है. इंटरनेशनल कोऑपरेशन डेवलपिंग एन इफेक्टिव वैक्सीन और रिस्पॉन्डिंग टू इट्स हेल्थ इम्पैक्ट्स, वो भी मिनिमल थे. इसके अलावा मोस्ट चैलेंजेस द वर्ल्ड फेसेस आर ग्लोबल लाइक द पैंडेमिक, दे आर इनहेरेंट इन ग्लोबलाइजेशन ड्रिवन बाय रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज. इसके अलावा और कौन से ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हम ग्लोबली फेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्पेस सिक्योरिटी. ठीक है, उसके अलावा टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ओशन एंड टेरिस्टल पोल्यूशन हैव टेकन ऑन अ ग्लोबलाइज्ड डायमेंशन. ये सारी चीज़ भी ग्लोबलाइज्ड डायमेंशन ले चुकी हैं. तो इसके नेशनल सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, आप अपनी एक कंट्री के अंदर रह के नहीं गए हम इंडिया में और हम क्लाइमेट चेंज को सॉल्व कर देंगे, नहीं कर सकते. आपको सारे कंट्रीज़ को मिलकर साथ आना होगा क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने के लिए. दे डिमांड कोलाबोरेटिव नॉट कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशंस. ठीक है, चाइना विल इमर्ज इन पोल पोजीशन इन द जियोपॉलिटिकल स्वीप स्टेक कमेंसिंग इन 2021. तो ऑथर ने बोला अब जो ये जो चाइना है, ये चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो यूएस और चाइना की इकोनॉमी में जो गैप है वो श्रिंक होगा और जो पावर गैप इंडिया और चाइना में वो बढ़ेगा. ठीक है, तो इंडिया इज ऑलरेडी कन्फ्रंटिंग अ मोर एग्रेसिव एंड एरोगेंट चाइना. तो ऑथर ने बोला नाइदर द यूएस इन इट्स रिलेटिवली डिमिनिश्ड स्टेट नॉर चाइना विद इट्स एनहांस्ड पावर अपनी ड्यूओपॉली जमा सकते हैं. ठीक है, मतलब अब मल्टीपोलर वर्ल्ड का जमाना है, ऐसे कोई मोनोपोली या ड्यूओपॉली नहीं रहेगी. ठीक है, भले ही चाइना बहुत ऊपर चला जाए, ये यूएस की इकोनॉमी श्रिंक हो जाए, पर अभी भी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टीपोलैरिटी रहेगी रहेगी. दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू मल्टीलेटरल अप्रोचेस एंड अडेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल बर्डन शेयरिंग. ठीक है, यहाँ पे ऑथर ने बोला है बेसिकली इवन अ पावरफुल कंट्री किसी भी कोर्स नहीं कर सकता, किसी नेशन को फोर्स नहीं कर सकता, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा ऑथर ने बोला कि कैसे वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो रहा है. वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना ने किया वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में सबको इतना ज़्यादा लोन दे दिया है कि बाकी सारी कंट्रीज उसके अंडर हो गए. फॉर एग्जांपल श्रीलंका में उसने हम्बनटोटा पोर्ट बनाया और श्रीलंका उसको पे नहीं कर पाया इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसने बनाया, तो हम्बनटोटा पोर्ट उसने लीज पर ले लिया 99 ईयर्स के लिए. तो चाइना क्या कर रहा है, चाइनाज ब्लेटेंट वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ये कर रहा है चाइना. तो आप इसमें कुछ टर्म याद रख सकते हैं जैसे वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें. ठीक, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. इसराइल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया कि इसराइल जो देश है दैट इज़ द नेशन स्टेट ऑफ द जूश पीपल एंड एट दैट फुलफिलिंग द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द स्टेट ऑफ इसराइल इज़ यूनिक टू द जूश पीपल. तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि ये जूश लोगों का कंट्री है. तो जो पैलेस्टीन है वहाँ पर उनको तो बुरा ही लग जाएगा कि ऐसे कैसे बोल दिया. और इट ऑल्सो डाउनग्रेडेड अरेबिक फ्रॉम एन ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज टू वन विद स्पेशल स्टेटस. ठीक है, तो अरेबिक जो ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज थी उससे डाउनग्रेड करके उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया. तो बस इसी का यही केस चल रहा है, इसराइली टॉप कोर्ट हैज चैलेंज जूश नेशनल लॉ. ठीक है, तो ऐसा है. अब रशियन लॉ टू अलाउ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी सेंटेंस फॉर लाइफ. तो रशियन लॉ ने क्या बोला है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं वो जो अपर हाउस होगा, फॉर एग्जांपल उनका जैसे हमारा राज्यसभा है वैसे उनका कोई सेनेटर होगा, उसमें आप जिंदगी भर के लिए सेनेटर बने रह सकते हैं. इसके अलावा और बात उन्होंने एक बात ये बोली, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा. ठीक है, मतलब कोई क्रिमिनल या फिर सिविल प्रोसीजर, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चल सकते हैं. तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया. ये हमारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नेपाल क्राइसिस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है. अब फ्रॉड्स कैसे जीएसटी फेक इनवॉइसेस का यूज़ करते हैं, तो अभी पता चला जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, वो फेक रिसीट्स के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट से क्लेम कर रहे थे. तो फ्रॉडस्टर हैव बीन फाउंड टू हैव, बहुत ज़्यादा उनके पास मल्टीपल डमी कंपनीज होती हैं, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, फिर फेक जीएसटी इनवॉइसेस इशू करते हैं
मतलब कोई सप्लाई नहीं करती गुड्स और सर्विसेज की, बस फेक जीएसटी इनवॉइसेस बना लेते हैं और उसके बाद आईटीसी से वो पैसा ले लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट से पैसा ले लेते हैं, ठीक है। इससे एक और फायदा, इन सम अदर केसेस द टैक्स डिपार्टमेंट हैव फाउंड दैट प्रमोटर्स ऑफ सर्टेन कंपनीज वो फेक इनवॉइसेस को पहले राउट करते हैं इधर से उधर, मतलब बहुत सारी शेल कंपनीज के थ्रू जाता है। उससे क्या होता है, सर्कुलर ट्रांजेक्शन्स की वजह से कंपनी का टर्नओवर बढ़ा हुआ दिखता है, ठीक है। इससे वो सिर्फ जीएसटी नहीं इवेड कर देते हैं, मतलब जीएसटी तो वो आईटीसी ले ही ले रहे हैं, साथ में क्या करते हैं, अब जब कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा दिखेगा तो आपको हायर बैंक लोन्स भी प्रोवाइड होंगे, हायर क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो ग्रेट कंजंक्शन का इवेंट है वो जुपिटर और सैटर्न के बीच में होने वाला है, मतलब वो सबसे ज़्यादा करीब होंगे। अ पेयरिंग बिटवीन एनी पेयर ऑफ प्लैनेट्स इज अ कंजंक्शन, मतलब किसी भी पेयर ऑफ प्लैनेट्स के बीच की पेयरिंग को कंजंक्शन ही बोलते हैं। जुपिटर और सैटर्न दो लार्जेस्ट प्लैनेट है जो कि विजिबल टू द नेकेड आई है, इसलिए इसको ग्रेट कंजंक्शन बोलते हैं। जुपिटर सन का ऑर्बिट 12 साल में लगाता है, सैटर्न 30 साल में लगाता है, ठीक है। अब हाई स्कूल का अगर तुम मतलब नॉर्मल एलसीएम निकालोगे तो पता चलेगा कि 60 साल के बाद ये इवेंट दोबारा होगा, ठीक है, मतलब 2080 में। द टू प्लैनेट्स विल अलाइन एट रफली द सेम प्लेस वेयर स्टारगेजर्स वॉच डायमंड December 21, ठीक है, ये वापस से सेम प्लेस पे होंगे। जो लास्ट ग्रेट कंजक्शन था वो कब देखने को मिला था, वो 1623 में देखने को मिला था, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस यहाँ पर ये यह कि 900 बिलियन यूएस ने कोविड एड दी है, मतलब वही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, स्टिमुलस देंगे ताकि डिमांड बढ़े। अब वो डिमांड बढ़ेगी तो अगर उनकी इकॉनमी की डिमांड बढ़ेगी तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी यूएस के लिए बढ़ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।